अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा करना, चाहे वो जायज़ है चाहे नाजायज़ है, आज हमारे वालदैन ने, जितने भी हमारे माशरे के वालदैन हैं, उन्होंने अपना फ़र्ज बना लिया है जो वो बहुत गलत कर रहे हैं। क्यों? जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, उसको जिस बात से मना किया जाए, रोका जाए, वो समझता है मेरे ऊपर बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। वो मानने के, वो ना सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता, जिसका बहुत बड़ा सबब, जिसकी बहुत बड़ी वजह हम खुद हैं। हमने बचपन में उनको हर वो चीज़, हर उनकी बात मानी जो उन्होंने ज़ुबान से निकाली। हालांकि बच्चों को कम से कम काम खुद करवाने चाहिए, उनके अंदर एक आदत डालनी चाहिए कि वो अपने काम खुद करें। हम बच्चे को उसके जवान होने तक, अतः कि जब उसकी शादी भी हो जाती है, हम उसको बच्चा ही समझते हैं। हम उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने में लगे रहते हैं। जो माएँ हैं वो मासियाँ बन जाती हैं, जो बाप है वो मज़दूर बन जाते हैं। बेटा शहजादा रहता है, बेटी शहजादी रहती है। तो होता क्या है, वही शहजादे और शहजादियाँ जब वालदैन बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी बात नहीं मानते, और वो सारा गुनाह, सारा कसूर हमारा अपना है, ये वालदैन का गुनाह है। हमें चाहिए कि बच्चे जब छोटे हों तो उनको काम करने के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया जाए, कम से कम वो अपने काम खुद करें। जब थोड़े से बड़े हों तो उनको माशी तौर पर भी खुद कफील होने दिया करें, ट्यूशन पढ़ाने दिया करें उनको। लड़के हैं तो उनको बाहर छोटी मोटी पार्ट टाइम जॉब करने दिया करें। इससे क्या होता है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। अब तो ऑनलाइन बहुत सारे काम हो रहे हैं, तो बच्चों को खुद फुलफिल होने दिया करें माशी तौर पर भी, और उन्हें ये कहा करें कि ये काम खुद करें, खुद उनको अपने काम करने दिया करें। उससे क्या होगा, हमारा आने वाला जो वक्त है, जब वो बच्चे बड़े होंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो हमारे हर काम को पूरा करेंगे।